So hello everyone, welcome to our channel. Myself Saurabh. So see, in this video I'm going to talk about that how to get internship experience from railway, right? Railway के कोई भी zone हो, south eastern, eastern या फिर जो भी other railways का zones है, वहाँ से अगर तुम internship experience लेना चाहते हो during your diploma or engineering, तो how to get that, how to apply for that, आज का video का topic वही रहेगा. देखो, Indian Railways बहुत बड़ा organization है. तुम अगर यहाँ से एक internship experience ले लेते हो, तो it would be very very helpful for your upcoming career. तो चलो video में आगे बढ़ते हैं. तो देखो, first of all मैं अपना बताऊं तो मैं साउथ ईस्टर्न से एक एक्सपीरियंस लिया हूं ओएचई ट्रैक्शन स्काडा ये सब के ऊपर, मतलब कि जो कि मेनली था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ऊपर. और नेक्स्ट जो मैं लिया हूं वो है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जो कि था फ्रॉम रेल वर्कशॉप, रेल कैसे बनता है, ट्रेन्स वगैरह, ट्रेन्स के मोटर्स, ट्रेन्स के अल्टरनेटर्स, ट्रेन्स के पार्ट्स, जो भी सबस्टेशंस वगैरह है, पावर ट्रांसफार्मर्स, वीसीबी, अर्थिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. और जिससे कि मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही अच्छा रहा. मैं जितना भी टोटल इंटर्नशिप किया हूँ उनमें से मुझे लगता है कि मैं जो ये दोनों किया हूँ वो बेस्ट था. इनमें से मुझे जो भी नॉलेज मिला वो मुझे लगता नहीं कि कोई भी किताब पढ़ के मिल सकता था. दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, इफ यू कैन अप्लाई, देन काइंडली अप्लाई, काइंडली फॉलो दिस मेथड टू अप्लाई फॉर रेलवेज इंटर्नशिप. बिकॉज वहां पे क्या है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत कुछ रहता है सीखने लायक. क्या ऑक्सीलियर ट्रांसफार्मर क्या है, वीसीबी कहां कनेक्ट होता है, एक ट्रांसफार्मर के कौन साइड में तुम देख के समझोगे कि कौन से लो वोल्टेज साइड है, कौन से हाई वोल्टेज साइड है, बिकॉज दे हैव ए लॉट्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. ओके, अब तुम बोलोगे कि भैया मैं अगर मैकेनिकल से हूं तो मैकेनिकल रिलेटेड भी बहुत कुछ रहता है वहां पे. जो भी अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हो, वो लोग भी अगर अप्लाई करना चाहते हो तो चाहो तो कर सकते हो. ये तुम्हारे सीवी को भी एनहांस करेगा इन फ्यूचर में, ठीक है. मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं ये चीज. अब देखो तुमको अप्लाई कैसे करना है. तो फर्स्ट अप्लाई का प्रोसेस मैं तुमको बताता हूं. एक रेल कौशल विकास योजना नाम का एक स्कीम है जिसके थ्रू तुम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो फॉर 21 डेज ऑफ इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, जो कि अप्लाई करना बहुत ही इजी है. उसका एक अपना फॉर्मेट आता है, तुम नेट में देख सकते हो या फिर यूट्यूब में भी वो डेटा अवेलेबल है. उसके थ्रू चाहो तो अप्लाई कर सकते हो. वो एक बार विंटर में निकलता है, एक समर में निकलता है. और बहुत सारा जोन्स का अपना अपना है, जैसे टाटा नगर का अपना है, हावड़ा डिवीजन का अलग है, काचड़ापड़ा डिवीजन का अलग है, लीलुआ डिवीजन का अलग है, ऐसे ऐसे बहुत सारा सीएलडब्ल्यू का निकलता है. तो ये सब डिवीजन का अलग अलग निकलता है, कोई एक का भी अप्लाई कर देना. तुमको अगर मिल जाता है तो इट्स वेरी गुड. तुम चाहो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, कोई एक मिलेगा तो बस उसमें चल जाना. ये एक प्रोसेस रह गया. ये मिलता बहुत सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को, बिकॉज यहाँ पे 10th का मार्क्स को वो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करता है. 10th में जिसका अच्छा मार्क्स था उसी को मिलेगा. एज आई हैड 92%, मतलब 91.72 व्हाटएवर, तो 92 बोला, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने, इसीलिए शाबाश बेटा. तो 92% था इसीलिए मुझे मिल गया. बट ये ऐसा मतलब ये नहीं कि तुमको अगर 70-80% मिलेगा तो तुम नहीं कर सकते हो रेलवे से इंटर्नशिप, ऐसा नहीं है. मैं वो भी प्रोसेस बताता हूँ तुमको कि वो कैसे मिलेगा. पहला वाला जो है मैं उसी से किया था, सेकंड वाला में मेरा 10th का मार्क्स वहां पे प्रेफर्ड रहा, ठीक. तो देखो वो कैसे करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के थ्रू सब जो स्टूडेंट्स है वो करता है, ठीक है. तो चलो वो बताता हूं. तो देखो करना क्या है तुमको पहले तो बात, जहां भी तुम्हारे नियरेस्ट जो भी रेलवेज का कोई अगर डिवीजन है, जैसे मेरा घर आगरा में है तो आगरा तो रेलवेज का डिवीजन है, तो तुम्हारे घर के सामने कोई भी सबस खड़गपुरा है, हावड़ा है, तुम क्या करोगे, हावड़ा डिवीजन में जाके वहां के जो डीआरएम ऑफिस रहता है, ठीक है, डीआरएम ऑफिस जो रहता है वहां पे जाके कोई भी किसी से भी ट्रेनिंग रिलेटेड जो भी कोई एक डिपार्टमेंट, सपोज तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम्हारे है मैकेनिकल, तो वहां पे जाके खबर लो कि मैकेनिकल का डिपार्टमेंट कहां पे है. तुम जाओ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, वहां पे तुमको क्लर्क या फिर कोई सीनियर मिल जाएगा, कोई भी सीनियर, ठीक है. उनसे जाके डायरेक्टली बात करो कि सर आई वांट टू डू ट्रेनिंग इन रेलवेज, सर हाउ टू अप्लाई, काइंडली टेल मी. अब देखो तुम बोलोगे कि सर ये तो आप स्टुपिडिटी जैसा बात कर रहे हो, वो एक इतना बड़ा ऑफिसर है, मैं जाके बात करूंगा. हाँ भाई, वो लोग वहां पे है और वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं. उन लोगों को भी पसंद है कि कोई बंदा जो कि कॉलेज में है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, वो आके यहाँ पे ट्रेनिंग करे और हम लोग उन लोगों को सिखाएंगे. मैं तुमको ये रियलिटी बता रहा हूं. अब तुम अगर इसके थ्रू उसके थ्रू करने जाओगे तो एट द एंड तुमको किसी के भरोसा में रहना पड़ेगा और वहां पे सिक्योरिटी भी नहीं रहेगा. तुमको बस अफवाह फैलाएगा कि ये यहां से अप्लाई किया जाता है, वो यहां से अप्लाई किया जाता है. तो इससे बेटर है कि तुम जाओ डायरेक्टली वहां के जो भी सीनियर है उनसे बात करो कि सर आई वांट टू डू ट्रेनिंग हियर, हाउ टू अप्लाई, वो तुमको पूरा प्रोसेस बता देगा. मैं जैसे अप्लाई किया था, मैं चाहूं तो वो भी प्रोसेस तुमको बता सकता हूं, बट अलग अलग डिवीजन
दरमियान अलग अलग जगह में, अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग प्रोसेस रहता है। तो वो सीनियर से जाके अगर तुम पूछते हो, जो भी तुम्हारे ब्रांच के रिलेवेंट डिपार्टमेंट है वहां पे अगर जाके पूछते हो, वो तुमको बता देगा कि ये हम लोगों के सीनियर है, इनको जाके एप्लीकेशन करो, वहां पे नाम मेंशन कर देना और कॉलेज से एक एनओसी लाना, वो जाके उनको करो, वो तुम्हारा सब चीज साइन वगैरह कर देगा, वो चीज तुम यहां पे लाना, तुमको ऑटोमेटिकली सब खबर मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा अगर जरूरत होगा तो दो तीन जन मिल के जाओ, दो तीन बार जब, एक बार नहीं होता है तीन चार बार जाओ, क्योंकि देखो ये तुम्हारे लिए वैल्यूएबल चीज है, ठीक कि नहीं। दैट्स हाउ यू अपीयर फॉर एग्जाम इन सम अदर स्टेट, तुम 7 घंटा 8 घंटा जर्नी करके जाते हो फिर एक एग्जाम देने के लिए, वहां पे श्योरिटी ये भी नहीं रहता है कि रिजल्ट में तुम्हारा नाम रहेगा कि नहीं रहेगा लिस्ट में, फिर भी तुम जाते हो ना, व्हाई? बिकॉज यू हैव अ होप। ओके, तो सेम चीज यहां पे भी है, तुमको अप्लाई करते जाना है, मिले ना मिले वो बाद की बात है। तो ऐसे जो है तुम अप्लाई कर सकते हो रेलवे के लिए, बट अगर एक बार ट्रेनिंग मिल जाता है तो वो बहुत बहुत वैल्यूएबल रहेगा तुम्हारे फ्यूचर के। चलो आगे बात करेंगे और भी वीडियोस में, ऐसे यूजफुल वीडियोस में लाता रहूंगा, उसके लिए तुमको चैनल सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो लाइक करना पड़ेगा और चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।